अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि शिमाई नहल बहावलपुर वाली सूखी पड़ी है, तो उसमें मैं आज देखने आए थे वैसे चक्कर लगाने। तो यहाँ आकर देखा तो इतनी ज़्यादा मछलियाँ यहाँ पर, इतनी ज़्यादा मछलियाँ, ये पानी क्योंकि सारा सूख चुका है, सारी नहर खाली है, तो एक जगह पर पानी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो सारी की सारी मछलियाँ यहाँ पर इकट्ठी हुई पड़ी हैं जी। ये बस बेचारी मरने को हैं जी, कुछ मर गई हैं और कुछ मर रही हैं। ब्लैक कलर की ये मछली है, मछली तो बड़ी खूबसूरत है ये, लेकिन अब इसका कुछ नहीं हो सकता, बेचारी मर रही है जी। वो तादाद बहुत ज़्यादा है जी, देखें भरी पड़ी हैं सारी मछली मछली हैं ये देखें जी, इतनी ज़्यादा मछली हैं ये, कहीं भी नहीं अब जा सकती बेचारी, कोई इनको पकड़ के कहीं छोड़ दे पानी ज़्यादा में तो फिर कुछ टाइम ये बच सकती हैं, लेकिन अभी पानी आना ही नहीं है तो इनको छोड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं आएगा, सारी नहर ही सूखी हुई है। ये बेचारी बहुत परेशान इधर उधर घूम रही हैं। ये देखिए ये सारी की सारी मुच्छल नस्ल की मछली है जी, ये देखो जी हर तरफ मछली ही मछली है। ये देखो जी इधर आया हूँ तो इधर से ही भाग के थोड़ा उधर चली जाएंगी, लेकिन ये अब डर भी नहीं रही, इनको पता है कि जाने का कोई रास्ता ही नहीं है और कहाँ जाएंगी, तो ये आराम से सारी की सारी इधर ही घूम रही हैं। तो इनके लिए दुआ करें जी, नहर का पानी आ जाए फिर तो ये बच सकती हैं कुछ टाइम तक, लेकिन आगे भी ये कहाँ जाएंगी, आगे नहर ख़त्म हो जाती है, सारा ज़मीनों में पानी लगता है, ये छोटी नहर है, तो अब बस इनका अल्लाह ही हाफिज़ है, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है भागने का ना बचने का। इनके लिए दुआ करें, ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।